Hi guys, this is Deepakshi, your social science educator at An Academy. A very, very warm welcome to each one of you guys in today's session and a very, very good afternoon to all of you. So, jaldi se jao and do let all your friends also know that ma'am is live with yet another amazing mentee quiz. जो कंबाइंड मेंटी क्विज होने वाला है आज बच्चा हिस्ट्री भी होगी सिविक्स भी होगा ज्योग्राफी भी होगा वी विल आल्सो हैव क्वेश्चंस फ्रॉम इकोनॉमिक्स तो बहुत मजा आएगा एंड वी आर गोना एब्सोल्युटली रॉक इट और उसके साथ साथ फॉर दोस ऑफ यू हु आर वाचिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम माय नेम इज दीपाक्षी मैनी एंड आई टेक अप सोशल साइंसेज फॉर ऑल यू गाइस एट द अन एकेडमी प्लेटफॉर्म और बहुत सारी हम मस्ती करते हैं हर एक चीज को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं साथ साथ बग्स बाउंटी की बात करी जाए वजह सो दिस इज एन अमेजिंग अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ईच वन ऑफ यू गाइस टू रिपोर्ट एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट अगर आप किसी भी वीडियो में कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट देखते हो यू कैन देयर एंड देन रिपोर्ट इट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल गेट अ लिंक टू अ गूगल फॉर्म उसको भर देना एंड इफ यू आर द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट अ पर्टिकुलर इशू यू विल गेट अ प्राइज ऑल्सो ठीक है हाय सोहन गुड आफ्टरनून हेलो निवेदिता ओके उसके साथ साथ जल्दी से आ जाओ प्लस प्लेटफॉर्म पे इफ यू गाइज हैवंट एक्सप्लोर्ड इट येट यू गाइज आर रियली रियली मिसिंग ऑन टू अ लॉट तो जल्दी से आ जाओ बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं लाइक डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं टेस्ट सीरीज एनालिसिस प्रैक्टिस टेस्ट मॉक टेस्ट एंड मच मच मोर द बेस्ट पार्ट इज दैट यू गेट टू सिट इन द कंफर्ट ऑफ योर हाउस एंड स्टडी घर बैठो एकदम फुल पावर हम पढ़ाई करते हैं आपको प्रॉपर हर एक चीज का पूरा स्टडी मटीरियल मिलता है प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं यू गेट मेंटोरशिप फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स अक्रॉस द कंट्री एंड बच्चा आपका जो भी मन करता है आप वो वाला प्लान ले सकते हो 3 months, 6 months, 12 months, 15 months, 24 months, whichever is the most convenient to you guys. और एक कोड लगा लेना DM Live बच्चा ये कोड लगाते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा फ्लैट डिस्काउंट देयर एंड देन ठीक है ओके उसके साथ साथ बात आती है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज लाइक मतलब हमारी पढ़ाई तो सॉर्ट होगी होगी उसके साथ साथ हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी तो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना तो वहां पे आपकी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आ जाती है यहाँ पे आपको क्रिएटिव कॉर्नर का एक्सेस मिल जाता है पेंटिंग डूडलिंग स्केचिंग मैजिक म्यूजिक कोडिंग जैसी बहुत सारी नई नई एक्टिविटीज आपको सीखने को मिलेंगी साथ साथ आपको मिलेगी पर्सनलाइज मेंटोरशिप वन ऑन वन आप अपने फेवरेट एजुकेटर्स के साथ पढ़ सकते हो और लाइव डाउट सॉल्विंग तो है ही वीकली टेस्ट रिपोर्ट्स मिलती हैं आप लोगों को साथ साथ पेरेंट टीचर मीटिंग होती है स्टडी प्लानर्स होते हैं आपको हर एक चीज का एक प्रॉपर टाइम टेबल मिल जाता है ताकि आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो अलाइन रहे किसी भी सब्जेक्ट में हम किसी भी तरीके से पीछे ना रहे तो अगेन आप कोई भी प्लान ले सकते हो 3 months, 6 months, 12 months, 24 months, whichever is the most convenient. अगर आपको लगता है कि मैम वी वॉन्ट टू गेट अ टेस्ट ऑफ इट तो एक छोटा प्लान लेके देख सकते हो बट मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगी दैट यू गाइस शुड गो फॉर अ सब्सक्रिप्शन प्लान ऑफ अ लॉन्गर टेन्योर बिकॉज जितना लंबा टेन्योर होगा उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा इकोनॉमिकली काफी ज्यादा कॉस्ट कटिंग हो जाएगी पर मंथ कॉस्ट काफी रिड्यूस हो जाएगी और साथ साथ आपके सारे के सारे सब्जेक्ट सॉर्ट हो जाएंगे मैथ साइंस इंग्लिश हिंदी social science all your subjects would be absolutely sorted ठीक है और साथ साथ बच्चे ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको वन शॉट में ही सारी पेमेंट करनी है यू गाइस कैन आल्सो पे इन पार्ट्स टू पार्ट्स में पे कर सकते हो थ्री पार्ट्स में पे कर सकते हो इनफैक्ट मंथली भी पे कर सकते हो एट अ जीरो कॉस्ट EMI और साथ साथ बच्चे ये आपका जो प्लान है दिस इज एक्चुअली वैलिड टिल द 31st of July ठीक है ये प्लान 31st of July यानी कि आज तक वैलिड है तो फटाफट से जिस जिसको भी अपना प्लान रिन्यू करना है या न्यू सब्सक्रिप्शन लेनी है तो वो फटाफट से ले लो ये लास्ट चांस है और जितना लंबा आपका टेन्योर होगा बच्चा उतने ही ज्यादा आपके होंगे बेनिफिट्स तो 12 टू 18 मंथ्स का प्लान लेते हो तो 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 24 टू 48 मंथ्स में 4 मंथ्स और 60 टू 84 मंथ्स में 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और इसके साथ साथ सेशन को लाइक जरूर कर देना एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो बच्चा और इसके साथ अब हम शुरू करने वाले हैं आज का हमारा मेंटी क्विज हेलो विशेष हाय क्रिश हाय निकू अनोनिमस हेलो मानव गुड आफ्टरनून हाय क्रिश ओके तो आज का ये जो सेशन होने वाला है इसमें अगेन 4 चैप्टर्स होंगे जिसका हम मेंटी क्विज करेंगे वी विल हैव राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वी विल हैव रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का सॉइल वाला जो पार्ट है उसमें से आज मैंने क्वेश्चंस दिए हैं देन वी विल हैव क्वेश्चंस फ्रॉम फेडरलिज्म एंड डेवलपमेंट और जल्दी से जाओ फटाफट से
www.menti.com पे, एंड वहां पे आपको एक कोड लगाना है बच्चा 2646-5141. 2646-5141 इज योर मेंटी कोड. जल्दी से गाइस क्विकली गो एंड जॉइन द मेंटी क्विज 2646-5141. लेट अस क्विकली हिट 100 एंड देन वी आर गोना स्टार्ट. 2646-5141. यस, तो आज का जो सेशन होने वाला है बच्चा, इसके अंदर हम लोग टोटल 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं. ठीक है, देयर इज गोना बी अ टोटल ऑफ 20 क्वेश्चंस, 5 फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, मतलब 5 फ्रॉम ईच चैप्टर. 5 क्वेश्चंस राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में से होंगे, 5 क्वेश्चंस रिसोर्सेज इन डेवलपमेंट, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम फेडरलिज्म, एंड देयर विल बी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर डेवलपमेंट. So make sure that you guys ace it, right? Good afternoon, Jolene. Hi, Nitin. Hi, Poonam. A very, very good afternoon to all you guys out there. और बच्चा आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए, आई मीन हर एक क्वेश्चन का आंसर मार्क करने के लिए यू गाइज विल गेट अ टाइम स्पैन ऑफ 30 seconds. तो क्वेश्चन को बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से और ढंग से पढ़ना. रीड द ऑप्शन वेरी केयरफुली एंड देन ओनली यू मार्क योर आंसर्स. ठीक है, ओके, ऑलराइट. तो बच्चा जब एमसीक्यू क्वेश्चंस हम करते हैं ना, क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन सही करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. दैट विल हेल्प यू टू यू नो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड एनालाइज द क्वेश्चन वेरी वेरी नाइसली, और बहुत अच्छे से फिर आप आंसर को भी मार्क कर पाओगे. नेशनलिज्म इन इंडिया करवा दूंगी अर्णव, डोंट वरी, बहुत जल्दी हम नेशनलिज्म इन इंडिया भी कर लेंगे. हाय लक्षिता, हेलो रचित, हाय गौतम, हाय केशव. यस, वी आर जस्ट गोना स्टार्ट इन द नेक्स्ट 10 seconds. तो फटाफट से जाओ एंड डू लेट ऑल योर फ्रेंड्स आल्सो नो दैट वी आर कंडक्टिंग दिस मेंटी क्विज, बिकॉज़ द मोर द मेरियर, है ना. जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ही टफ कॉम्पिटिशन और उतना ही ज्यादा आएगा मजा. यस नो एवरीवन. अच्छा, तो शुरू करने से पहले विद आवर डेली रिचुअल जल्दी से मेरे को बता दो, हाउ इज द जोश एवरीवन? Are you guys absolutely ready to rock the show? Thank you so much, Rachit. Mansi, second chapter ki videos available hai bacha channel pe, aap dekh sakte ho. Yes. Very high. Kya baat hai bhai, high hi chahiye aap logon ka josh. एग्जाम आने वाले हैं तो मेंटी क्विजेस, और बहुत जल्दी हम मैं एक सीरीज भी लॉन्च कर रही हूँ जिसमें हम सारे के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे. तो बहुत मजा आएगा एंड वी आर गोना हैव लोड्स एंड लोड्स ऑफ फन. चलो तो अभी शुरू करते हैं एंड वी आर नाउ गोना स्टार्ट. तो जल्दी से जोश हाई है सबका, एकदम फुल पावर. ऑलराइट, तो जोश पे होश बिल्कुल भी मत खोना. रीड क्वेश्चंस केयरफुली एंड देन मार्क योर आंसर्स. ओके, सो नाउ आई एम गोना स्टार्ट एंड हियर कम्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स राइट देयर. सॉइल फॉर्म्ड बाय इंटेंस लीचिंग. एक ऐसी सॉइल, देखो बहुत सारी अलग अलग तरीके की सॉइल्स होती हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग सॉइल पाई जाती है. तो एक ऐसी सॉइल का आपको नाम बताना है विच इज फॉर्म्ड बाय इंटेंस लीचिंग. ठीक है, व्हाट इज लीचिंग? लीचिंग क्या होता है? जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो बच्चा जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो तो पानी के साथ बह जाते हैं. तो एक ऐसी मिट्टी विच इज नॉट वेरी रिसोर्स रिच, वो कौन सी होती है? एरिड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल या फिर फॉरेस्ट सॉइल? एंड यू गाइस कैन ऑल्सो आंसर इन द लाइव चैट, आई एम कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग इट. एंड नितिन हैज गिवन द करेक्ट आंसर. 70 ऑफ यू स्टूडेंट्स हैव मार्क्ड द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. वेरी वेरी गुड गाइज, वेल डन, कीप इट अप, बहुत बढ़िया. पर इस क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट के अंदर बहुत सारे बच्चे गड़बड़ दे रहे हैं. कोई इसका आंसर दे रहा है बी, कोई इसका आंसर दे रहा है ए. बच्चा ये जो सॉइल वाला पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं. मतलब 1-1 मार्कर के आपके एमसीक्यू के लिए बहुत सारे असर्शन रीजन से आ सकते हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं. मतलब आप जो भी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं ना, वो सब इस पार्ट में से आपका बन सकते हैं. तो ये जो सॉइल वाला पार्ट है ना, यू नीड टू गो थ्रू इट वेरी वेरी नाइसली और हर एक चीज आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, ओके. सो वी हैव कौस्तुभ एट नंबर 1, नंबर 2 पे है सिमरन, देन वी हैव वानी, शौर्य, देन वी हैव आर्यन, अर्णव, तमन्ना, अनुराधा, निदेश एंड प्रणव. वेरी वेरी गुड, यस वेरी गुड मानव, दैट्स द स्पिरिट बच्चा पार्टी. एंड वी हैव कौस्तुभ एंड सिमरन बीइंग द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, सो वेल डन यू गाइस.
और साथ साथ इफ यू पीपल आर एंजॉयिंग द सेशन मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन आल्सो ओके. नाउ कम्स द क्वेश्चन नंबर टू ऑन योर स्क्रीन्स राइट देयर. क्वेश्चन नंबर टू, द रनिंग वाटर बहता हुआ पानी विच कट्स थ्रू द क्ले सॉइल्स एंड मेक डीप चैनल्स इज कॉल्ड गली इरोजन, शीट इरोजन, विंड इरोजन या फिर नन ऑफ द अबव. काफी आसान क्वेश्चन है, जल्दी से मेरे को बता दो. एंड दीज आर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरोजन राइट. शीट इरोजन होता है, गली इरोजन होता है, विंड इरोजन होता है. ओके, सो आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 111 स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, 86 ऑफ यू गाइस हैव मार्क्ड द करेक्ट आंसर. बच्चा गली इरोजन क्या होता है? जब पानी जो होता है वो इतनी ज्यादा तेज बहाव से बह रहा होता है कि इट फॉर्म्स गलियां. ठीक है, लिटरली जो गलियां होती हैं छोटी छोटी वैसे डीप चैनल्स फॉर्म कर लेते हैं उसको गली इरोजन बोलते हैं. शीट इरोजन बिल्कुल नहीं होता. 15 बच्चों ने शीट इरोजन मार्क किया. शीट इरोजन क्या होता है? शीट इरोजन होता है बेसिकली कि जो सॉइल की लेयर्स होती है वो बहुत ही थिन थिन लेयर्स में रिमूव होती रहती है. यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सॉइल इन थिन लेयर्स इज बेसिकली कॉल्ड शीट इरोजन. ठीक है, तो ये सर्फेस वाली जो सॉइल होती है वो इरोड हो जाती है, दैट इज शीट इरोजन. तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, गली इरोजन इज द करेक्ट आंसर. ओके, वेरी गुड. सुखविंदर, अमन, कियोकन, पूनम, बिल्कुल सही आंसर दिया है. बच्चा द मेंटी कोड इज 4264651412. 2646-5141 is the Menti quiz. Jaldi se jao. For those of you who haven't joined the quiz yet, quickly go and join it. So we have Simran. High five, Simran. At number one position, number two pe hai Kaustav. Then we have Tamanna, Shaurya, Kashish, Ayush, Nidesh, Prakash, Tejasi and Rachit. Okay, very nicely done guys. Keep it up. Well done. और इसी के साथ चलते हैं आगे. I'm moving forward to question number 3 of the day. देखते हैं कौन कौन मचाता है आतंक. मेरी बच्चा पार्टी, keep up your spirits and keep your spirits high and let's get going. Which of the following is a cause of soil erosion? इनमें से कौन सा soil erosion का एक cause है? ठीक है, कारण है soil erosion का. Deforestation, over irrigation, glacier melting या फिर all of the above. Jaldi se guys, quickly give me your answers, quickly punching your answers. Yes Shubham, we have a long way to go. Bacha, you can join www.menti.com pe jao aur wahan pe code laga do 2646-5141 and you can join the quiz. And D is absolutely correct answer. Jolene, Kishore, Keshav, Vani, Nitin. Then we have Aman, Rachit, Krati, Keshav. All of you guys have marked the absolutely correct answer. 119 में से 85 of you ने सही जवाब दिया है. बच्चा deforestation, पेड़ काटते रहेंगे तो soil को bind कौन करेगा is one cause. Over irrigate करेंगे तो again soil की top layer जो है वो तो बह जाएगी और soil के सारे nutrients बह जाएंगे. Glaciers melt होते रहेंगे तो पानी का flow तेज होता रहेगा, उससे भी erosion होता है. तो answer is all of the above. Okay, so here is your leaderboard and I can see some new names this time. Very, very nice. Okay, so कोई बात नहीं है लीना, it's okay बच्चा, आप recorded session भी देख सकते हो, कोई problem नहीं है. All right, so Shaurya is topping the chart. Then we have Tamanna, Tejasi, Chulbuli, Arnav, Simran, Kaustav, Rachit, Ruchi and Ayush. Very, very good. And Chulbuli and Arnav are the fastest. Very nicely done. Keep it up, guys. Well done. I am super duper proud of you. Hey, meri bacha party itni intelligent hai na? I have the most intelligent bacha party. Lovely. Okay, everyone. And now comes the question number 4. Right there on your screens. Black soil is ideal for growing. Black soil का दूसरा नाम क्या होता है? Regar soil. ठीक है, तो और जो तीसरा नाम होता है उसमें आपको आंसर ही पता चल जाएगा, तो इसलिए मैं वो नहीं बताऊंगी. आपको मुझे बताना है कि ब्लैक सॉइल कौन क्या चीज ग्रो करने के लिए बहुत आइडियल रहती है, बेस्ट रहती है. कॉटन, शुगर केन ट्री और कॉफी. वेरी गुड रानी, यश, रचित, देव, क्रिश और कियोकिन. बिल्कुल सही आंसर. वेरी नाइसली डन गाइस. एंड द करेक्ट आंसर इज कॉटन. Yes, so it is also known as black cotton soil.
128 में से 113 ऑफ यू गाइस हैव मार्क्ड द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. वेरी वेरी गुड. दिस हैज बीन लाइक द बेस्ट क्वेश्चन सो फार. कुडंट बी मोर प्राउड. वेरी गुड. ओके यस एकलव्य आपकी जिगरी नितिन हेमंत सब ने सही आंसर दिया है. सो हैज अंजलि. सो वी हैव तमन्ना टॉपिंग द चार्ट. उसके बाद है शौर्य चुलबुली तेजसी सिमरन कौस्तव. देन वी हैव निदेश आयुष रचित एंड रुचि. वेरी वेरी गुड. कीप इट अप. ऑलराइट नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स राइट देयर. क्वेश्चन नंबर 5. Alluvial deposits are, alluvial soils are the deposits of. ये हमने 9th standard में भी पढ़ा था कि हमारे जो नदन प्लेन्स होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा अलूवियल सॉइल पाई जाती है. तो आपको क्वेश्चन पूछा है कि जो अलूवियल सॉइल है वो कौन कौन सी रिवर के. हमें इतना पता है कि इट हैज बीन मेड फ्रॉम द इंटरप्ले ऑफ 3 रिवर सिस्टम है ना. तो कौन कौन सी रिवर्स से अलूवियल सॉइल के डिपॉजिट्स आए हैं. नर्मदा सतलुज एंड तापी गंगा टीस्टा एंड बनस इंदस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र या नन ऑफ द अबव. क्या बात है भाई. श्वेता देव आरती किशोर कियोकिन अंजलि यश सब ने एकदम सही आंसर मार के हैं. वंशिका धर्मेंद्र क्रांति गौतम मुंचा शिवम वेल डन यू गाइस एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. एंड आउट ऑफ 129 स्टूडेंट्स वी हैव 103 ऑफ यू गाइस हैव मार्क्ड द करेक्ट आंसर. तो बच्चा गंगा ब्रह्मपुत्र और इंडस ये तीन रिवर सिस्टम के इंटरप्ले से हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म हुए हैं और नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है बहुत सारी अलूवियल सॉइल. नॉर्दर्न प्लेन्स आर वेरी वेरी रिच इन अलूवियल सॉइल और अलूवियल सॉइल जो है वो काफी ज्यादा फर्टाइल होती है ना. इट्स ओके अर्नब नेवर माइंड. अगर आप लोगों की कोई भी गलती होती है डू नॉट गेट डिसहार्टेंड जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक नेक्स्ट टाइम. ठीक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई कैन राइट नाउ सी 121 स्टूडेंट्स ऑन द लाइव चैट लेकिन मुझे सिर्फ 62 लाइक्स दिख रहे हैं. तो जल्दी से जाओ कम से कम 100 लाइक्स दिखने चाहिए अभी मेरे को. जाओ जाओ फटाफट से लाइक करो जल्दी से क्विकली क्विकली गो एंड लाइक द सेशन. ऑलराइट नाउ इज द लीडर बोर्ड. वी हैव तमन्ना सिमरन चुलबुली निदेश तेजसी कौस्तव क्रांति नवाब सैम आयुष एंड चिराग. वेरी वेरी वेल डन गाइस कीप इट अप. जल्दी से जाओ. यस मित्रों क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ द डे. ऑलराइट एवरीवन आई मीन 16 नहीं 6. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज True about federalism. अब हमारा पहला चैप्टर यानी कि resources and development के questions हो गए हैं. Now we're gonna do questions from the second chapter that is federalism. तो question है इनमें से कौन सा federalism के बारे में true है. Power is shared amongst the central government and the state government. Central government cannot order state or local government to do something. Both A and B are none of the above. काफी आसान question है. Yet a little tricky one. बच्चा फेडरलिज्म होता ही क्या है. फेडरलिज्म होता ही है पावर्स की डिविजन राइट. जब भी ये वर्ड आता है ना फेडरलिज्म ऑलवेज नो दैट इट इज डिविजन ऑफ पावर्स. ओहो मैम तो आंसर ही मार्क करना भूल गई. एनीवेज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर बच्चा. ए नहीं है. फेडरलिज्म एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर्स तो डिवाइड होती ही होती है लेकिन जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को या लोकल गवर्नमेंट को किसी चीज पे ऑर्डर नहीं कर सकती. ठीक है डिसेंट्रलाइजेशन होती है पावर्स की. स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में अपनी अलग पावर्स होती हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में अपनी अलग पावर्स होती हैं. तो एक दूसरे के साथ मिलके बैठ के जो बातचीत कर ले ऑर्डर नहीं कर सकती. सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर्स. ठीक है सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन. तो इससे लीडर बोर्ड पे तो आई थिंक कोई फर्क आएगा ही नहीं बिकॉज मैम भूल गई आंसर मार्क करना. बट कोई बात नहीं. हाय कुमारी आभा. सो वी हैव द सेवेंथ क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन राइट देयर. हाय थ्री स्टार्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है. हु सेट्स द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर यानी कि जहां पे डिवीजन ऑफ पावर्स होती है भाई ये कौन डिसाइड करता है कि किसके हाथ में कितनी पावर्स होंगी. ये कौन देखता है कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में कितनी पावर्स होंगी या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में या स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में या लोकल गवर्नमेंट के हाथ में किसके पास कितनी पावर्स होंगी. सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन या नन ऑफ द अबव. व्हिच ऑफ दीज स्पेसिफाई हु विल हैव व्हाट पावर्स.
ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा ये डिसाइड करती है कि किसके हाथ में पावर्स होंगी. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करती होती तो वो मैक्सिमम पावर्स अपने हाथ में ही ना रखती. यस, लेकिन बिकॉज वी आर इन अ सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग जहाँ पे फेडरल डिविजन सिस्टम है पावर्स का, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीजें लिखी होती है. बच्चा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट करती है कि लेजिस्लेचर के हाथ में क्या पावर्स होंगी, या जुडिशरी के हाथ में, या एग्जीक्यूटिव के हाथ में, किसके हाथ में कितनी पावर्स होंगी. ठीक है, लवली. ओके, आगे चलते हैं एंड लेट अस हैव अ क्विक लुक एट द लीडर बोर्ड. वेरी नाइस. Okie dokie, so we have Simran. Hi, five Simran. We have Simran topping the chart. We have Chulbuli, Krati, Tamanna, Nidish, Ayush, Anuradha. Then we have Nawab the Sam, Lalit and Swati. Very, very nicely done, bacha party. I am super duper proud of each one of you. Bahut badhiya. All right, now. Ab aata hai hamara eighth question of the day. अंदर कितने सारे अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग लोग अलग अलग ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, अलग अलग कल्चर फॉलो करते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, राइट right? तो सारे के सारे लेकिन फिर भी एक साथ एक कंट्री के अंदर रहते हैं ना, है कि नहीं. तो ऑब्जेक्टिव क्या है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का? बोथ ए एंड सी आर द करेक्ट आंसर्स. यूनिटी प्रमोट करने के लिए और कंट्री को सेफगार्ड करने के लिए और रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए. वेरी गुड. ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर. वेरी वेरी गुड, कीप इट अप गाइस, वेल डन. एंड अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं. सो फॉर दोज ऑफ यू हु हैवंट जॉइन द मेंटी येट, Quickly go to www.menti.com and you guys can join it. Oh my God. Is buddy, we have three students who are the fastest to fall. Lovely that is. We have Simran. High five Simran. Number two pe hai Chulbuli. Then we have Tamanna, Nidish, Nawab the Sam, Lalit, Ayush, Anuradha, Swati and Chirag. Very good guys. Well done. Keep it up. Aur isi ke saath, let's move forward to question number 9 of the day. Thank you so much, Rani. This is like the best thing I could ever hear. And you guys just make my day. Thank you so much. Okay, next hai hamara, large country divides its powers between the states and the national government. Isko kya bolte hain? जो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज होती हैं, दो तरीके की फेडरेशन होती है ना, तो जो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज होती हैं, वो अपनी पावर्स को स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड कर लेती हैं, उसको कौन सी फेडरेशन बोला जाता है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन, सूडो फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, या नन ऑफ द अबव? एंड यू गाइज आर एब्सोल्युटली करेक्ट. 82 ऑफ यू गाइज हैव मार्क्ड द करेक्ट आंसर. वेरी वेरी गुड, वेल डन. तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बिल्कुल सही जवाब है बच्चा. होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर नेशनल गवर्नमेंट के पास थोड़ी सी ज्यादा पावर्स होती है एज कम्पेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट. लेकिन अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको मुझे बताना है दैट नेम थ्री कंट्रीज जहां पे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एग्जिस्ट करती है. जल्दी से मुझे बताओ, नेम द थ्री कंट्रीज वेयर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एग्जिस्ट. Everybody, quickly give me your answers in the live chat. Bacha party, jaldi se. Bacha, pseudo federation, koi federation nahi hoti. Pseudo ka matlab basically hota hai. Jaldi se yaar, fatafat se answer mark karo. Okay, so Simran, Chulbuli, Tamanna, Sam, Lalit, Ayush, Nidish, Swati and Chirag and Nitin, these are my top 10 students on the leaderboard. Tank macha rakha hai aaj to meri bachcha party ne. Very, very nicely done. Very good guys, keep it up. Bahut hi badhiya. Chalo, aage chalte hain.
Next question. Right there on our screen. So we have question number 10. Yani we are almost halfway through. बच्चा सूडो का बेसिक मतलब पता है क्या होता है? सूडो का बेसिक मतलब होता है समथिंग दैट इज फेक, ठीक है, समथिंग दैट इज नॉट अ रियल थिंग. यस यस, आई होप योर डाउट इज क्लियर बच्चे. यस, यू गाइस आर एब्सोल्युटली करेक्ट. इंडिया, बेल्जियम एंड स्पेन, FBI. चलो, सो हियर इज द लीडर बोर्ड वंस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. हु डिक्लेयर्स दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट? बिल्कुल सही बोला है अमन ने, अनम ने. वेरी गुड, यस एब्सोल्युटली जोलीन. 98 ऑफ यू गाइस हैव मार्क्ड द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. वेरी वेरी गुड. 135 स्टूडेंट्स में से 98 ने करेक्ट आंसर दिया. बच्चा ये हमारा यूनियन गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट या स्टेट कोर्ट नहीं बताती है, स्टेट गवर्नमेंट ही बताती है कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है. ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लिखती है. देखो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ दैट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, कहीं पे भी फेडरल का नाम नहीं लिखा हुआ. लेकिन जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी फीचर्स हैं हमारी कंट्री को, सारे फेडरलिज्म वाले, ठीक है, क्लियर. सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये लिखता है कि इंडिया इज बेसिकली अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. ओके, चल, वेरी गुड. वी हैव सिमरन टॉपिंग द चार्ट वंस अगेन. फिर है तमन्ना, चुलबुली, निधीश, स्वाति, आयुष, ललित, नितिन, कृतिका एंड टेडी गुप्ता. वेरी वेरी गुड. इट्स ओके मानव, कीप अप योर गुड वर्क गाइस. और आई होप यू गाइज आर इंजॉइंग एब्सोल्युटली. ओके, तो आगे चलते हैं एंड मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 11. तो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी कि दो चैप्टर्स खत्म. अब हम करने वाले हैं थर्ड चैप्टर, दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. वेरी गुड अनम, प्राउड ऑफ यू गाइज. इट्स ओके दीक्षा, नेवर माइंड. हाउ टू ज्वाइन मेंटी? बच्चा www.menti.com पे जाओ और वहां पे कोड लगा दो जो मैंने लाइव चैट में अभी भी भेजा. ओके साक्षी, विल डू अ सर्च एंड रीजनिंग वेरी वेरी सून. ऑलराइट, सो इन विच ईयर डिड द फ्रेडरिक सॉरियू प्रिपेयर अ सीरीज ऑफ फोर प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड? फ्रेडरिक सॉरियू कौन थे? फ्रेडरिक सॉरियू थे एक फ्रेंच आर्टिस्ट, राइट. अब उन इस फ्रेंच आर्टिस्ट ने बेसिकली बच्चा क्या बनाया था? उन्होंने एक सीरीज बनाई थी फोर प्रिंट्स की, जिसमें उन्होंने अपनी ड्रीम को विजुअलाइज करा था कि कैसे वो एक आइडियलिस्टिक सोसाइटी चाहते हैं, एक यूटोपियन विजन चाहते हैं, राइट. तो उन्होंने कब बनाई थी? 1848 में. यस वेरी गुड, 1848 में फ्रेडरिक सॉरियू द फ्रेंच आर्टिस्ट हैड प्रिपेयर्ड हिज पेंटिंग, ठीक है. चलो केस स्टडी अंडर नेक्स्ट वीक में हो जाएगा बच्चा, डोंट वरी. ऑलराइट एवरीवन, सो दिस इज द लीडर बोर्ड. ओके, सो हमारे पास बड़े दो दो बच्चे हैं, फास्ट है सिमरन एंड निधीश. वेरी वेरी गुड बच्चा. और फिर है ललित, नितिन, आयुष, तमन्ना, कृतिका, स्वाति, श्री साई राम एंड टेडी गुप्ता. वेरी वेरी गुड, थैंक यू सो मच अनम. इट्स ओके बच्चा. देखो इट डजंट मैटर आप किससे पढ़ते हो, कहाँ से पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो. क्या मैटर करता है कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, आप अच्छे से पढ़ रहे हो, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है. दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट टू मी. और आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं. हाय आर्यन, हेलो सीई. Alright, so a direct vote by which all the people of a region are asked to accept or reject a particular proposal is called utopian plebiscite, absolutist या none of the above. तो ये होने वाला है आज का हमारा एक game changer. Let me tell you, आपके किताब में जहाँ पे आपका chapter शुरू हो रहा है उसके second page पे ये box में ये particular question का answer marked है, लिखा हुआ है वहाँ पे. तो एक direct vote जिससे सारे के सारे जो लोग होते हैं एक region के, उनको सिर्फ इतना पूछा जाता है कि yes or no, मतलब accept or reject a particular proposal, that is called plebiscite. Yes, that's called plebiscite. Okay, so 56 of you guys have marked the correct answer. हो गया है ये हमारा game changer. तो देखते हैं leaderboard पे क्या क्या changes आए हैं. And I can see one new member on the leaderboard. Very, very good, guys. Well done. मेरी बच्चा पार्टी में से काफी स्मार्ट है. Okay, so we have Simran topping the chart. High five, Simran. Then we have Nidish, Lalit, Ayush, Nitin, Kritika, Swati. Then we have Teddy Gupta, Sai Ram, and Nav. And Teddy is the fastest of all. Very good, Teddy. Keep it up.
Very nice, very nicely done, guys. I am super duper proud of each one of you. And here comes question number 13 of the day. Which of the following is not true about the aristocrats of Europe? Aristocrats kaun hote hain? The people who are very, very rich and very, very powerful people in the society. ठीक है, कौन से ऐसे लोग, क्या इनमें से ऐसा ऑप्शन है जो एरिस्टोक्रेट्स के बारे में सही नहीं है? देवर इन अ मेजोरिटी, दे ओन्ड अ लॉट ऑफ लैंड, दे वर टाइड बाय मैरिज, या फिर नन ऑफ द अबव. जल्दी से गाइस. ऑल राइट पलक, आई विल डू दैट वेरी सून, आई विल गेट देम अपलोडेड, डोंट वरी. हेलो रिया, गुड आफ्टरनून. बिल्कुल सही जवाब, देवर इन अ मेजोरिटी, ये उनके बारे में नॉट ट्रू है, दिस इज अनट्रू. बच्चा वो तो माइनॉरिटी कम्युनिटी में थे, मेजोरिटी कौन थे जरा मुझे लाइव चैट में बताओ जल्दी से. मेरी लाइव चैट वाली बच्चा पार्टी, फटाफट से मुझे बताओ व्हाट हु अमंगस्ट दीज वर एक्चुअली इन अ मेजोरिटी. Peasants, yes, absolutely correct. Peasants were in a majority. बिल्कुल सही, peasants majority में थे बच्चा. और 74 students ने बिल्कुल सही answer इसका mark किया है. Very very good guys. All right, तो आगे चलते हैं. And let us quickly have a look at the leaderboard. Simran is topping the chart. Next up we have Nidish, Lalit, Ayush, Kritika, Swati, Teddy Gupta, Nav, Shaurya and Krati. Thank you so much, Shaurya. मैं तो हमेशा कहती हूँ भाई, my bacha party is the best bacha party, है ना? You guys are just the best. All right, आगे चलते हैं जल्दी से and let us move forward to question number 14 of the day. पढ़ा बच्चे, हम सारे के सारे questions को कर लेंगे. खत्म ना. हेलो हिमानी, हाय रॉकस्टार, हाय अपर्णा, हेलो क्रेजी किंग. ऑलराइट, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ वियना साइंड? ट्रीटी ऑफ वियना कब साइन करी गई थी? काफी आसान क्वेश्चन. 1805, 1815, 1825 या 1830. बेसिकली बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन भाई साहब को हरा दिया था कुछ चार यूरोपियन पावर्स ने, है ना? उसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई थी. कौन से साल में हुई थी आपको बताना है. हैप्पी बर्थडे दीपिका, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू. एंड वी हैव 94 स्टूडेंट्स हु हैव मार्क्ड द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. 1815 में हुई थी ट्रीटी ऑफ वियना साइन. वेरी गुड, ओके एवरीबॉडी. नेक्स्ट अब वी हैव द लीडर बोर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. जल्दी जल्दी से, जोश में होश बिल्कुल भी नहीं खोना है, सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत ढंग से मार्क करना है, ठीक है? ऑलराइट, सिमरन, निधीश, ललित, आयुष, कृतिका, स्वाति, नव, टेडी, शौर्य एंड क्रांति. वंस अगेन सेम टू सेम लीडर बोर्ड था. थैंक यू रॉक स्टार, आई एम टू अ फैन ऑफ माई बच्चा पार्टी, अ डाई हार्ड फैन ऑफ माई बच्चा पार्टी, ठीक है? थैंक यू दीपिका. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पावर्स कलेक्टिवली डिफीटेड द नेपोलियन? कौन सी ऐसी पावर्स थी जिन्होंने नेपोलियन को हरा दिया था, नेपोलियन को डिफीट कर दिया था? इंग्लैंड, फ्रांस, इटली एंड रशिया, इंग्लैंड, स्पेन, इटली एंड रशिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, इटली एंड रशिया, या फिर ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया एंड रशिया. एवरीबडी, सुपर इजी क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से अपने आंसर्स को कर दो मार्क. ऑल राइट, दैट इज अमेजिंग. एंड 87 स्टूडेंट्स हैव मार्क द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया एंड रशिया. बहुत ही बढ़िया, चलो भाई आगे चला जाए. और अब आता है हमारा लीडर बोर्ड. Very, very good, everybody. Keep it up. And Simran is topping the chart. Number 2 pe hai Nidish, Ayush, Lalit, Kritika, Swati, Nav, Teddy, Shaurya and Krati. Very, very good, guys. Absolutely amazing. Bahut hi badhiya. Aur isi ke saath aage chalte hue, ab hamara chautha chapter aane wala hai. The last chapter, that is development. So question number 16 and the first question of development right there on your screens, everyone. What does development mean? भाई development का मतलब क्या होता है? What do we actually mean by this word development?
getting essential things such as income, health, education, better life by fulfilling aspirations and desires, social equality या फिर all of the above. काफी आसान क्वेश्चन है कि नहीं? जल्दी जल्दी से सारे के सारे अपने आंसर को कर दो मार्क जल्दी से गाइस एब्सोल्युटली क्विक. And with this, the time is up. 87 of you guys have marked the absolutely correct answer. Very good. Alina, I am very well, bacha. I hope you're good too. So, all the four options are correct, bacha. Hamein, dekho, development ka true meaning kya hota hai? Ki hamein jo bhi hamare ko roti, kapda, makan, jaisi jo bhi essential basic amenities hain, jo hamein jeene ke liye bahut zaruri chahiye, wo hamare paas honi chahiye. Hamari income badhti rehni chahiye because with the income, with increase in income, increases the standard of living. राइट और जितनी ज्यादा हमारी इनकम होती है उतने ही ज्यादा हम रिसोर्सेज एक्सेस कर पाते हैं अपने जितने ज्यादा हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उतनी ही ज्यादा हमारी एस्पिरेशंस और डिजायर्स फुलफिल हो पाती हैं और सोशल डिस्क्रिमिनेशन हमें फेस नहीं करनी पड़ती है सोसाइटी राइट सो ऑल ऑफ द अबव इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर वेरी वेरी गुड ईच वन ऑफ यू वेल डन और इसी के साथ ये रहा हमारा 16th क्वेश्चन का लीडर बोर्ड गुड आफ्टरनून समीक्षा हेलो मल्ला लक्ष्मण हाय सृष्टि आई एम वेरी गुड बच्चा ऑल राइट सो सिमरन इज टॉपिंग द चार्ट फिर है निधीश देन वी हैव ललित आयुष कृतिका नव टेडी शौर्य कृति एंड क्रिश वेरी गुड हाई फाइव क्रिश वेल डन Krish is a new member of the leaderboard. I'm sure this time is the fastest to fall. Well done, guys. Very good. Okay, question number 17 of the day. All right, everybody. What is that one common thing that is required for development? Ek aisi common cheez jo development ke liye chahiye hi chahiye hoti hai, wo kya hai? Money, house, religion, ya none of the above. मतलब द मोस्ट बेसिक थिंग डेवलपमेंट के लिए हमें ये वाली चीज तो यार चाहिए ही चाहिए वो क्या होता है जल्दी जल्दी से गाइस यू हैव टू मार्क योर आंसर्स एवरीबॉडी ओके एंड द टाइम इज अप 101 स्टूडेंट्स हैव मार्क द आंसर आउट ऑफ व्हिच 84 ने बिल्कुल सही जवाब दिया है दैट इज मनी अच्छा द मोस्ट बेसिक थिंग जो हमें डेवलपमेंट के लिए चाहिए ही चाहिए होती है दैट इज पैसा मनी ओके चलो आगे चलते हैं भाई पैसे होंगे तभी तो हम अपनी जरूरतें पूरी कर पाएंगे ना बच्चा चलो Okay, so we have Simran being the fastest this time, Phir hai Nidish, then we have Lalit, Ayush, Kritika, Teddy, Shaurya, Krati, Krish and Nawab. Very good. तो क्या आ गया भाई बच्चा पार्टी टेंथ की भी तो बच्चा ही होता है ना मेरी बच्चा पार्टी भी टेंथ में तो है ही ना हाय कुमारी ऑल राइट पर कैपिटा इनकम इज ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम का दूसरा नाम क्या होता है मार्जिनल इनकम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर या फिर एवरेज इनकम या फिर नन ऑफ द अबव ये भी काफी इंपॉर्टेंट काफी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए ओके हाय सृष्टि How are you? Yes, you guys are absolutely right. It is average income. Per capita income का दूसरा नाम होता है average income and 92 बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. Very very good. All right. So here is your leaderboard for this particular question. We have Simran topping the chart. उसके बाद है निधीश, ललित, आयुष, कृतिका, टेडी, शौर्य, कृति, कृष्ण, नवाब लीडर बोर्ड तस्से मस भी नहीं हुआ है जरा सा भी नहीं हिला है वेरी नाइस एकदम मतलब मेरी बच्चा पार्टी ने अपनी पोजीशंस फिक्स कर ली है क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं क्या होता है क्या कोई चेंज आता है कि नहीं कंट्रीज विद हायर इनकम आर डैश देन अदर कंट्रीज विद लेसर इनकम ऐसी कंट्रीज जिनकी ज्यादा इनकम होती है वो क्या होती है एज कंपेयर टू कंट्रीज जिनकी कम इनकम होती है लेस डेवलप्ड लेस स्ट्रॉन्गर मोर ऑर्गेनाइज्ड या मोर डेवलप्ड जिन कंट्रीज की हायर इनकम होती है उनकी बात हो रही है कंफ्यूज मत होना यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक है और सेशन को लाइक जरूर कर देना
So this can be a game changer. Yes, it definitely can be a game changer. All right, everyone. So the correct answer is given by 74 students. Very, very good. Well done. Okay. 74 स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. द करेक्ट आंसर इज मोर डेवलप्ड. जिन कंट्रीज के पास ज्यादा पैसे होते हैं, ऑब्वियसली मतलब उन लोगों के जो उन कंट्रीज में जो लोग रहते हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा, राइट? सो दे विल बी मोर डेवलप्ड देन द अदर्स विद द लेसर इनकम. ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं. ओकी डोकी. तो we have Simran topping the chart, then we have Nidish, Lalit, Ayush, Teddy, Shaurya, Krati, Krish, Nitin and Nawab. Very good, well done. Kya baat hai, amazing everybody. Tabhi to main kehti hu bhai, I am super duper proud of each one of you. Very very good. All right, chalo aage chalte hain. Abhi अब आते हैं हम आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे. सो दिस इज गोना बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20th, राइट देयर ऑन योर स्क्रीन. प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 7 इयर्स एंड अबव दैट कैन रीड राइट एंड अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज इज नोन एज. ऐसा प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो 7 साल के बच्चों से और उनसे ऊपर का है, जो पढ़ लिख सकते हैं और भाषाएं समझ सकते हैं. भाषाएं कोई भी भाषा हो सकती है, वो एनी लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे एनी भाषा, कोई भी भाषा हो. दैट इज नोन एज नॉलेज रेट, लिटरेसी रेट, अटेंडेंस रेशियो या फिर एक्सीलेंस रेट. ओके एवरीवन, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं लक्ष्मण, अनन्या, सृष्टि, उद्भव और रचित. बिल्कुल सही आंसर. एंड सो हैज अदिति, उत्कर्ष. बिल्कुल सही, वेरी गुड गाइस. इट इज लिटरेसी रेट. बच्चा इन शॉर्ट जो इंसान पढ़ा लिखा होता है उसको हम लिटरेट कहते हैं, राइट? तो वो पॉपुलेशन जो 7 इयर्स ऑफ एज और उससे ऊपर की होती है, जो पढ़ लिख सकती है, जो कोई भाषा समझ सकती है, उसको हम लिटरेसी रेट कहते हैं. एंड नाउ वी आर गोना हैव अ क्विक लुक एट द फाइनल लीडर बोर्ड ऑफ द डे. वेरी गुड. All right, so Simran जो है वो number 1 पे आ गई है. हाई फाइव सिमरन. 18,436.33 points के साथ सिमरन इज द विनर ऑफ टुडेज मेंटी क्विज. देन वी हैव निदीश, आयुष, ललित, टेडी गुप्ता, शौर्य, कृति. देन वी हैव क्रिश गुप्ता, नवाब सैम एंड नितिन. वेरी वेरी गुड गाइज, कंग्रेचुलेशन टू ईच वन ऑफ यू. एंड ट्रस्ट मी, आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू गाइज. ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आई एम सुपर डुपर प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ यू. और कीप इट अप, कीप अप योर गुड वर्क. और जाते जाते लाइक का बटन जरूर ठोक के जाना. एंड मोर ओवर वेरी नाइस. ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया गाइस. और इसी के साथ हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं बग्स बाउंटी. फॉर दोज ऑफ यू जो अगर कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट देखता है बच्चा किसी भी वीडियो के अंदर, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं. इफ यू गाइस आर द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट इट, आपको प्राइस भी मिलेगा. साथ साथ जल्दी से देख लो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन फीचर्स. तो लाइव डाउट सॉल्विंग होती है, टेस्ट सीरीज, एनालिसिस, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट एंड मच मच मोर. बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं. एंड इन फैक्ट अब तो एक बहुत ही बढ़िया फीचर आ चुका है, दैट इज रेज अ हैंड. जो रेज अ हैंड फीचर है बच्चे, इससे हम वन ऑन वन बातें भी कर सकते हैं. यस, आई कैन टॉक टू यू ऑल्सो, टॉक टू यू नाउ. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यू गेट टू सिट एट द कम्फर्ट ऑफ योर हाउस एंड स्टडी. बेस्ट है अपने यू नो आपको प्रॉपर अपने फेवरेट मेंटर्स से गाइडेंस मिलती है, स्टडी मटेरियल मिलता है पूरा का पूरा. तो आपको जो जो भी मन करता है बच्चा, आप वो प्लान ले सकते हो. 3 months, 6 months, 12 months, 15 months, 18 months, 24 months, विच एवर इज द मोस्ट कन्वीनियंट टू यू. आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड लगाते हो, दैट इज डी एम लाइफ, फ्लैट 10% डिस्काउंट. तो लेट्स से अगर आप 12 months का प्लान लेते हो, विच इज 15,000, इसमें से 10% स्ट्रेट आप डिस्काउंट ले लोगे तो 13,500 का ही पड़ेगा आपको प्लान से. ठीक है, तो
जल्दी से आ जाओ एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो. दिस इज लाइक द बेस्ट प्लेस टू बी. बच्चा पढ़ाई के साथ साथ हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ पे आपको क्रिएटिव कॉर्नर का एक्सेस मिल जाता है. पेंटिंग, डूडलिंग, स्केचिंग, मैजिक, म्यूजिक, कोडिंग जैसी बहुत सारी एक्टिविटीज आप सीख पाते हो. पर्सनलाइज मेंटोरशिप आपको मिलती है, वन ऑन वन आप एजुकेटर्स के साथ पढ़ सकते हो. लाइव डाउट सॉल्विंग है, वीकली रिपोर्ट्स होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, स्टडी प्लानर मिलता है आपको प्रॉपर पूरा का पूरा. तो अगेन जो भी मन करता है आपके लिए, जो भी सबसे कन्वीनियंट प्लान है, सबसे सूटेबल प्लान है, आपको ले सकते हो. और साथ साथ यू गाइस कैन आल्सो पे इन पार्ट्स, टू पार्ट्स में, थ्री पार्ट्स में. इनफैक्ट अब तो आप मंथली भी पे कर सकते हो विद नो एडिशनल कॉस्ट, जीरो कॉस्ट ईएमआई. और साथ साथ ये है हमारा प्लान जो कि 31 जुलाई तक बच्चे वैलिड है, यानी कि आज तक वैलिड है. तो जल्दी से आ जाओ एंड गेट द मोस्ट ऑफ इट. जितना बड़ा, जितना लंबा आपका टेन्योर होगा, उतने ही आपके बेनिफिट्स भी बढ़ते जाएंगे. तो आ जाओ एंड लेट्स क्रैक इट एवरीबॉडी. और जाते जाते लाइक का बटन जरूर से दबा जाना एंड शेयर दिस सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स ताकि उनका भी थोड़ा भला हो जाए. एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है? तो हिट द बेल आइकन ऑल्सो टू गेट द रेगुलर अपडेट्स ऑफ ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ वेरियस एजुकेटर्स. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर. टिल देन बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल वंडरफुल डे अहेड. बाय.